हाय गाइस, हम अभी शांति स्तूपा पे हैं जो कि लद्दाख में है। अभी यहाँ पे सैटरडे और संडे में लॉकडाउन है, सो अभी हम ज़्यादा जगह विजिट नहीं कर सकते। तो अभी सिर्फ यही था जो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे था होटल से, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसको आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी है इसके लिए, हम बहुत थक भी रहे थे और बहुत सांस फूल रही थी, बट फाइनली ये वर्थ है ऊपर आने के, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। एक बार दिखाओ ना कितना सुंदर है। और यहाँ से जो पूरा व्यू है वो बहुत अमेजिंग है, आपको यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, ये इतना सुंदर है। तो ये डेफिनेटली हर किसी को आना चाहिए यहाँ पर एक बार। हम लोग कल आए थे यहाँ पर लद्दाख में और हमने एक दिन पूरा होटल में ही स्पेंड किया, क्योंकि अभी हम यहाँ के टेम्परेचर को अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अभी आज थोड़ा बेटर फील किया तो आज हम घूमने आए हैं। और अभी इसके अलावा हम कहीं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि यही वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, मतलब आप किसी व्हीकल के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। तो यही वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हम यहीं आ गए। और बट हमें लग नहीं रहा था कि ये इतना सुंदर होगा, पर आने के बाद पता चला कि ये बहुत सुंदर है और यहाँ से व्यूज बहुत ही प्यारे। ये अब हम शांति स्तूपा का पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज आज सारा दिन कुछ और हमें नहीं करना है, बस जाके रेस्ट ही करना है होटल में, तो हम यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं शांति स्तूपा को देखने, एक्चुअली जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। एंड ये तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे वे टू हेवन है। एंड यहाँ पे लाइट म्यूज़िक भी है बहुत प्यारा सा, जो तब से चल रहा है जब से हम आए हैं। सो ये है फाइनली शांति स्तूपा, जिसकी मान्यता है यहाँ पर। हम इसको देखने के लिए ऊपर आए हैं, इसके लिए हमने 500 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और हमने शूज़ पहने थे, मतलब निकाले थे, अब हम पहनने वाले हैं। शूज़ पहन के दिखाओ कैसे पहनते हैं, ऐसे नहीं। ये व्लॉग बना रही हो आप? कैसा व्लॉग है ये? शूज़ पहन के दिखाऊंगा मैं और क्या। ये देखो, हम जैकेट पहन कर आए थे बट हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी गर्मी है, मतलब थोड़ा धूप चल रही है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कितना सुंदर है। आप स्काई देख सकते हो, कितना प्रिटी लग रहा है। और ये पीयूष शूज पहन रहे हैं, मुझे भी पहनने अपने। अब ये देखिए, पीयूष नटीज खा रहे हैं, इनको नटीज बहुत ही पसंद है, बट यहाँ पर इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड के वजह से यहाँ पे सारी ही चीज़ों का टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। हम अपने साथ काफ़ी सारा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, अब सब कुछ ही डिफरेंटली टेस्ट कर रहा है, हम उसको खा भी नहीं पा रहे हैं। नटीज़ का टेस्ट भी अभी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दिल्ली में लगता है। सो इवन चिप्स का पैकेट जो हम लेकर आए थे वो भी फूल कर वो फट ही गए, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो गाइज, अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जो 500 सीढ़ियाँ हमने अभी चढ़ी थी, अब हम वापस उतरेंगे, हमारे पैरों की बैंड बज चुकी है। और ये देखिए नीचे का व्यू। एंड बाकी कल हमारा बहुत ही अच्छा सा प्लान है, हम पैंगोंग लेक जाएंगे, रास्ते में चांगला पास होगा जिसको हम इंजॉय करेंगे, तो जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल पीयूष एंड दिव्या।